हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अमीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और बस अब मेरा सबसे पहला दिन की शुरुआत हो गई है, मेरा बाकी सारा काम हो गया है, मैं आ गई हूँ अपनी पूजा में। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर की है अपनी पूजा, और पूजा फिनिश करने के बाद फिर मैं अपने और सारे काम निपटा के किचन के, और फिर जाऊँगी मैं मार्केट आज, बिकॉज करवा चौथ है तो करवा चौथ की तैयारी करनी है। तो करवा चौथ पे मैं इस बार सोच रही हूँ करवा चौथ पे कि मेहंदी जो है मैं पार्लर पे लगवा के आ जाऊँ, क्योंकि पिछली बार तीज पे भी सोचा था जब तो रह गए थे हम। अब देखते हैं, आज प्लानिंग है, घर से निकले हैं तो करा के ही आएंगे काम। और अभी मैं जा रही थी फिलहाल स्कूल, तो मैं स्कूल के लिए निकल गई थी, और आज हम लोग जा रहे थे अपनी गाड़ी से स्कूल, क्योंकि दक्ष के चाचा का कहीं पर काम था। तो वो बोले कि भाभी मैं आप लोगों को स्कूल पर छोड़ दूँगा, तो इन्होंने हमें स्कूल पे छोड़ दिया। और आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, कोशी भैया नाम है इनका, कोशी है, मतलब भैया तो मेरे ही हैं, कोशी है। तो यहाँ पर बच्चे पीछे बात कर रहे थे, यहाँ पर व्लॉगिंग की थी, बट हुआ क्या, म्यूज़िक चल रहा था। मैंने बाद में देखा, ध्यान किया जब एडिटिंग कर रही हूँ कि म्यूज़िक चल रहा है, तो फिर मैंने उसकी वॉइस बंद करनी पड़ी और अपनी एडिटिंग करनी पड़ी यहाँ पे, क्योंकि फिर तो कॉपीराइट आ जाता ना म्यूज़िक से। और पीछे बच्चे भी बैठ गए थे, कि मन का जगह है तो चलो सब लोग साथ चलते हैं। और रास्ते में हम लोगों को हमारी बस भी मिली थी, और बस एकदम तेज़ी से निकल गई। हम कह रहे हम लोग बस से पहले पहुंचेंगे, पर बस हमसे पहले स्कूल में पहुंच गई। और इसके बाद जो है, मैं जो मार्केट जाऊँगी वो स्कूल करने के बाद मार्केट जाऊँगी, और अंकिता और चाची वहीं पर आ जाएंगी, और हम लोग फिर उधर से मार्केट चले जाएंगे। और दक्ष यहाँ पर ज़िद कर रहा है कि मुझे भी मार्केट जाना है, बिकॉज़ कल करवा चौथ के दिन जो है दक्ष का भी बर्थडे है, तो उसको ऐसे लग रहा है कि मैं अपने डेकोरेशन का सामान खुद लेकर आऊं। मैंने उससे बोला था कि हम लोग लेकर आ जाएंगे, पर नहीं, वो खुद लेकर आया, अपनी यूनिफॉर्म रखकर ले गया था बैग में, और चेंज करके तब स्कूल से वापस मार्केट हमारे साथ पहुंचा है। और भूख भी लग रही थी इसको, फिर भी नहीं माना ये, पर डेकोरेशन का सामान लेने के लिए खुद से गया है। और यहाँ पर बस अंकिता को, जो मेन काम था वो अंकिता का था, बिकॉज उस दिन से, जिस दिन से अंकिता आई है उस दिन से लगातार बारिश हो रही थी, मार्केट जाना नहीं हो रहा था, तो आज अंकिता का काम था, तो मेन चूड़ियाँ वगैरह का काम किया उन्होंने, और सब अपना सामान वगैरह लिया, सूट वगैरह ली, साड़ी ली। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे मेहंदी लगवाने। और अभी जो है ना, बिल्कुल शाम हो चुकी थी, बिल्कुल मतलब एकदम जो आरती वाला टाइम होता है ना, वो हो गया था हमें इस समय मार्केट में, जो हमने मेहंदी लगवानी शुरू की थी। और चाची और दक्ष को हम लोगों ने काम करके अपना उनको घर पर भेज दिया था। मैंने कहा तुम लोग परेशान हो रहे हो, तुम लोग घर पर जाओ। और बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है इन्होंने, एक मतलब एक लड़की है, अनमैरिड है वो, जो मेहंदी लगाती हैं, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई, इसीलिए मैंने उनका फेस नहीं दिखाया, कि थोड़ा सा लड़कियों को रहता है ना, मतलब मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मैं उनका फेस दिखाती। बहरहाल उन्होंने मेहंदी बहुत सुंदर लगाई हमारे दोनों के हाथों पे, और अंकिता यहाँ पर अपने कलावा वगैरह कह रही थी कि भाभी इसको खोल दूँ, मैं भी मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो पहले उन्होंने लगाई मेरे और फिर लगा दी अंकिता के। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए, तो बहुत लेट हो गए थे हम लोग घर, लग रहा था कि कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाए। और यहाँ इसके बाद ये फिर हमारा थोड़ा सा और भी काम रह रहा था, हम लोगों को एक शॉप से हमारे कपड़े उठाने थे, तो वो भी कपड़े उठाए। मेरा ब्लाउज़ लेना था वो, क्योंकि थोड़ी सी कमी थी उसमें, तो ब्लाउज़ भी लिया फिर बाद में। और ऐसा लग रहा था हमें जो थोड़ा सा काम था हमारा, ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था वो, तो मैं आपको बता देती हूँ, सब्जी लेनी थी, तो वो इम्पोर्टेंट काम तो था ही। तो जो है हम सोच रहे थे कहीं क्लोज ना हो जाएं सारी दुकानें, पर जब तक हम लोग मेहंदी लगवा के निकले तो क्लोज नहीं हुई थी दुकानें। हम लोगों ने मेहंदी वो सॉरी सब्जी ली और निकल गए, और घर फ़ोन कर दिया था हमसे, हमें गाड़ी से लेने के लिए आ गए थे। तो हम फिर भी 8 बजे समथिंग आए घर पर। हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आ गए हैं हम लोग मेहंदी लगवा के, हम लोग लेट हो गए थे बहुत ही, हमें बज गए थे समथिंग 8, और 8 के आने के बाद जो है घर फिर जल्दी जल्दी काम किया। काम तो मेहंदी से नहीं हो पाया, बट थोड़ा बहुत ये छूट गई है, थोड़ी बहुत सामान वामान रखने में इधर उधर। और आज खाना बनाया है दक्ष और दक्ष के पापा ने, तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, मेरी किचन पूरी तरह से फैली पड़ी है, सारा सामान फैला पड़ा है, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपको फेस से भी देख के लग रहा होगा, एक तो फेस वॉश नहीं हुआ है सुबह से भी, और क्योंकि मैं स्कूल से ही चली गई थी वहाँ पे, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और उसके बाद सुबह को मैं जल्दी उठूंगी, सुबह जल्दी उठने के बाद करूँगी मैं किचन की सफाई करूँगी, उसके बाद सारे काम करूँगी, क्योंकि सारे बर्तन अभी ऐसे ही पड़े हैं।
और जो है फिलहाल दक्ष गया है सो, यहाँ पर दक्ष सो गया है और मैं भी सोने जा रही हूँ। काविंदर जी अभी बाहर गए हैं, बाहर शायद वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है तो वो वहाँ गए हैं वॉलीबॉल का। तो अभी मन नहीं कर रहा है मेरा किसी काम का, तो मैं अभी बाद में करूंगी और आप लोगों से बाद में मिलूंगी। तो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ आज। जैसे कि आपने देखा हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदी। कई बार क्या होता है हमारी वीडियो शूट नहीं हो पाती है, बिकॉज हम दूसरों की तो कर लेते हैं बट हमारी नहीं हो पाती है, तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।